हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं, अगर आपने बैक पेन को, कमर दर्द को या साइटिका का दर्द जिसे कहते हैं, जिसमें नस दब जाती है, उसे अगर आप ठीक करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको ऐसे 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रही हूं, जिन्हें प्रेस करने के बाद आप ये चीज़ खुद कहेंगे कि अब मेरे को बैक पेन की समस्या नहीं है, मेरी कमर दर्द नहीं होती, मुझे साइटिका का दर्द नहीं रहा। दोस्तों, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत काम के हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें दबा कर, जिन्हें स्टिमुलेट करके हम अपनी किसी भी तकलीफ को दूर कर सकते हैं, लेकिन उस चीज के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। आज मैं वही नॉलेज आपको देने वाली हूँ। पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में है। दोस्तों, मैं आपको अपना पैर दिखा रही हूँ, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसे आप करिए, ताकि आप इसे बहुत ठीक से समझ पाए। हमारा पैर होता है, पैर का जो टो होता है, जिसे अंगूठा कह सकते हैं, और उसके साथ की जो फिंगर होती है। दोस्तों, ये जो टो है हमारे पैर के, इनका जो बिल्कुल फर्स्ट वाले का जो सेंटर है, वहाँ हमने स्टिमुलेट करना है, वहाँ प्रेस करना है। अगर आपको साइटिका का दर्द है, कमर दर्द है, बैक पेन बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत पुरानी है, और आपको रोजाना इसके लिए पेन किलर खानी पड़ती है। दोस्तों, इसे प्रेस करने के लिए पॉइंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है, तो एग्जैक्ट लोकेशन है, आपने एक फिंगर रखनी है, दूसरी फिंगर रखनी है, और उसके बाद जो पॉइंट आता है, जो जगह आती है जहाँ मैं आपको बता रही हूँ दबा कर, इस जगह पर आपने दबाना है, रोजाना दबाना है। कम से कम दिन में आप 3 से 4 बार दबा सकते हैं, अलग अलग टाइम पर। 2 मिनट से ज़्यादा आपने किसी पॉइंट को नहीं दबाना। आप खुद देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं आपको 3 पॉइंट बता रही हूँ, तो दूसरा पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, दूसरे पॉइंट के लिए हमें अपनी बाजू देखनी होगी। मैं यहाँ अपनी बाजू दिखा रही हूँ, तो बाजू का जो जहाँ से हमारी एल्बो यानी कोहनी मुड़ती है, अंदर वाली साइड में देख रहे हैं हम, तो वहाँ जो सेंटर है, सेंटर पर हमने प्रेस नहीं करना, हमने प्रेस करना है उसके ऊपर, जहाँ मैं आपको एक ऑरेंज कलर का पॉइंट बना कर दिखा रही हूँ, इस पॉइंट पर आपने प्रेस करना है, इस पॉइंट को आपने स्टिमुलेट करना है। ऐसा करने से शोल्डर पेन भी ठीक होता है और बैक पेन भी, यानी कमर दर्द भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में। तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसमें हमने अपनी कोहनी को मोड़ लेना है, एल्बो को मोड़ लेना है। कोहनी मोड़ने के बाद एक लाइन सी बन जाती है, और लाइन के जस्ट नीचे नहीं बल्कि एक फिंगर छोड़कर एक पॉइंट बनाया जा रहा है, वहाँ आपने प्रेस करना है। दोस्तों, ये तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट, कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, बस इनके द्वारा आप अपनी बैक पेन को ठीक कर सकते हैं। ये कोई वो बातें नहीं हैं कि उनसे सुनी, उनसे कही, बस ये हो गया। नहीं दोस्तों, ये ऐसी चीज़ है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और बहुत सारे लोगों ने इससे बेनिफिट भी लिया है, तो आप भी इससे ज़रूर बेनिफिट लीजिए। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को इनसे फायदा हो सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।